वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हम बीजांड की संरचना के बारे में बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जब अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, जब अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण हो रहा होता है तो बीजांड की कुछ कोशिकाएँ अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती हैं, सघन जीव द्रव युक्त होती हैं और बड़े केंद्रक युक्त बन जाती है, जिन्हें हम प्रारंभक प्रसूतक कोशिकाएं कहते हैं। ये जो प्रारंभक प्रसूतक कोशिकाएं होती है, या हम ये कह सकते हैं इनिशियल आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है और वो विशेष प्रकार का जो विभाजन होता है उसे हम कहते हैं परिणत विभाजन, पेरिक्लिनिकल डिवीजन बोलते हैं, परिणत विभाजन बोलते हैं। इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो प्रकार की कोशिकाओं में जो पहली कोशिका होती है उसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और जो दूसरी कोशिका होती है उसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका होती है आगे चलकर या तो अविभाजित होती है या फिर विभाजित करती है तो फिर जो भ्रूण कोष की जो भित्ति होती है उसका निर्माण करती है, भ्रूण कोष की भित्ति का निर्माण करती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका शुरुआत में या तो अविभाजित होती है, अगर विभाजित होती है तो वो भित्ति का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी जो कोशिका है हमारे पास, जिसे हम कह रहे थे गुरु बीजाणु, प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका। ये जो प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका होती है ये अविभाजित रहती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। यहाँ पर हम देखते हैं गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है ये शुरुआत में अविभाजित होती है, बाद में इसमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इससे चार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, चार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो चार गुरु बीजाणु होते हैं ये एक लाइनर सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। आगे चलकर इनमें से तीन जो गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु बचता है गुरु बीजाणु जो होता है वो शेष रहता है, और वही क्या है आगे चलकर मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। ये जो गुरु बीजाणु होता है सामान्यतः निभागी क्षेत्र की ओर पाया जाता है, किधर पाया जाता है, निभागी क्षेत्र की ओर पाया जाता है, जिसे हम अब डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। गुरु बीजाणु जनन यानी कि मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये मैक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र जन कोशिका होती है, उनसे गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जन। बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जन मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अभी हमने कहा था कि बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, क्या कहते हैं, जिसे गुरु बीजाणु जनन या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस कहा जाता है, इसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए कैसा होता है इसका विकास, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, बीजाणु जो होता है, बीजाणु की कुछ कोशिकाएं अपने आकार में बढ़ोतरी कर लेती है, अपने जीव द्रव को बढ़ा लेती हैं, उनका जीव द्रव सघन हो जाता है, उनका केंद्रक भी क्या हो जाता है, आकार में बढ़ जाता है। ये हमारे पास बीजाणु है, इस बीजाणु की जो कोशिका है, ये कोशिका है सामान्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इस कोशिका, ये हमारे पास क्या है, बीजाणु, ये हमारे पास जो है वह प्रसूतक, प्रारंभक कोशिका, प्रसूतक प्रारंभक कोशिका, आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल, इसमें विभाजन होता है, क्या होता है, विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, परिणत विभाजन, परिणत विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक तो बनती है प्राथमिक, प्राथमिक परिधीय कोशिका, प्राथमिक परिधीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरो जीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये आगे चलकर जो होती है, ये जो होती है परिधीय कोशिका होती है, ये किसका निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है, और यहाँ पर ये जो है किसकी तरह कार्य करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, किसकी तरह कार्य करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, जिसे हम कह सकते हैं मैक्रो स्पोरोजेनेसिस मदर सेल, मैक्रो स्पोरोजन मदर सेल बोल सकते हैं इसको। तो अभी हमने ये बताया कि ये जो प्रसूतक कोशिका है, ये प्रसूतक कोशिका है, विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका बना रही है, जिसे हम डायग्राम के थ्रू इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, बीजाणु है, यहाँ पर एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। तो ये जो कोशिका है, ये तो हमारे पास है परिधीय, और ये कैसी है हमारे पास, बीजाणुजन, कौन सी कोशिका है, बीजाणुजन कोशिका। अब जो बीजाणुजन कोशिका है, ये बीजाणुजन कोशिका जो कि किसके रूप में कार्य कर रही है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में, बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, गुरु बीजाणु जन मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु जन मात्र कोशिका, इसके रूप में बिहेव कर रही है ये। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, देखना कौन से, इसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, चार, चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये चारों जो गुरु बीजाणु जो हैं वो रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, किसमें क्रम में व्यवस्थित होता है, रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, कौन से क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होने के बाद में इनमें से जो तीन गुरु बीजाणु जो होते हैं, तीन गुरु बीजाणु वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक गुरु बीजाणु शेष रहता है, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो किस प्रकार व्यवस्थित हो रहे हैं, देखो ये
इस प्रकार एक गुरु बीजाणु, दो, तीन और चार, चार गुरु बीजाणु हैं। कितने गुरु बीजाणु हैं? चार गुरु हैं। अब इनमें से तीन तो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। केवल एक रहता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक गुरु बीजाणु कोशिका जो है वो सक्रिय रहती है, बाकी ये जो तीन है ये निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब निष्क्रिय अवस्था में क्यों पहुंचते हैं? अगर इन चारों गुरु बीजाणुओं का विकास आगे होता है तो इनके लिए पोषण की मात्रा कम पड़ेगी, इनके लिए पोषण उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो विकास ये दृष्टि से इनको एक समझौता करना पड़ता है कि इन चारों गुरु बीजाणुओं में से केवल एक ही गुरु बीजाणु आगे चलकर मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है, शेष तीन गुरु बीजाणु अपने आप को त्याग देते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। किसके लिए? सक्रिय गुरु बीजाणु के लिए। और अपना जो पोषक पदार्थ होता है आप जीव द्रव के अंदर जो इनके उपस्थित होता है, उस पोषक पदार्थ को ये किसके लिए दे देते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु के विकास के लिए दे देते हैं, जिससे क्या निर्माण होता है? मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर गुरु बीजाणु जन्म के बारे में बात करते हैं तो गुरु बीजाणु जन्म के दौरान एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार गुरु बीजाणु का निर्माण तो होता है, लेकिन उनमें से तीन गुरु बीजाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहता है, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। ये सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है ये मादा युग्मोद्भिद की प्रारंभिक कोशिका कहलाती है, प्राथमिक कोशिका या प्रथम कोशिका कहलाती है, जिससे मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखते हैं, ये क्या है हमारे पास? सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु। बाकी ये क्या है? निष्क्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ बात हो गई? गुरु बीजाणु जन के बारे में बात हुई। तो गुरु बीजाणु जन के दौरान क्या होता है? गुरु बीजाणु जन मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार प्रकार के या चार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। विकास की दृष्टि से विकास क्रम के दौरान तीन गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरु बीजाणु शेष रहता है। उस एक गुरु बीजाणु को ही क्या कहते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु ही आगे चलकर क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मादा युग्मोद्भिद, सॉरी गुरु गुरु ये सक्रिय जो गुरु बीजाणु है ये आगे चलकर मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है, और मादा युग्मोद्भिद आगे चलकर दोहरे निषेचन में भाग लेकर भ्रूण और बीज का निर्माण करता है। तो उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा? चार गुरु बीजाणु बने, उनमें से एक शेष रहा, तीन नष्ट हो गए, शेष रहा उसको क्या कहा हमने? एक्टिव गुरु बीजाणु कहा, सक्रिय गुरु बीजाणु कहा। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु से आगे चलकर किस प्रकार मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है उसको हम बताते हैं आपको। तो हम बता रहे थे आपको कि सक्रिय जो गुरु बीजाणु है उस सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है उसे हम ये कह सकते हैं, हमें मात्र भ्रूण कोश कोशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मात्र भ्रूण कोश कोशिका। क्यों कह सकते हैं इसको मात्र भ्रूण कोश कोशिका? क्योंकि इससे किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। हम पहले ही बता चुके थे आपको कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु जो है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये मादा युग्मोद्भिद की क्या कहलाती है? प्रथम कोशिका। क्या कहलाती है? प्रथम कोशिका। मादा युग्मोद्भिद की क्या है? प्रथम कोशिका है। इसी से क्या है? मादा युग्मोद्भिद या फिर हम ये कह सकते हैं भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है पोषण प्राप्त करके अपने आकार में बढ़ोतरी कर लेता है, केंद्रक को बढ़ा लेता है, और उसके बाद फिर इसमें लगातार तीन समसूत्री विभाजन होते हैं, और वो तीन समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप आठ केंद्रकों का निर्माण होता है,
आठ केंद्रक किस प्रकार निर्मित होते हैं उसको हम इस प्रकार देखते हैं। ये हमारे पास अभी हमने बताया था कि ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु। इसमें प्रथम अर्सूत्री विभाजन होगा, प्रथम अर्सूत्री विभाजन, अर्सूत्री सॉरी समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, प्रथम समसूत्री विभाजन होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, किसका निर्माण होगा, दो केंद्रकों का निर्माण होगा। ये हम ये कह सकते हैं कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, दो केंद्रकों का निर्माण हो गया, दो केंद्रक युक्त, ठीक। आगे चलकर इसमें फिर सेकंड समसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है, सेकंड समसूत्री विभाजन होता है। सेकंड समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो केंद्रक जो निर्मित हुए थे प्रथम समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ये पहले तो क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक निभागीय क्षेत्र की ओर चला जाता है और एक किसकी ओर चला जाता है, बीजाणुद्वारी क्षेत्र की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं हम, ये जो दोनों केंद्रक हैं, ये दोनों केंद्रक दूसरा विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक केंद्रक कितने केंद्रकों का निर्माण करता है, दो दो केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, अब वो सक्रिय गुरु बीजाणु कितने केंद्रक युक्त संरचना हो गई, चार, चार केंद्रक युक्त, चार केंद्रक युक्त संरचना हो गई। चार केंद्रक युक्त संरचना के बाद में अब कौन सा विभाजन हो रहा है, तीसरा समसूत्री विभाजन हो रहा है, तीसरा थर्ड समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उसके फलस्वरूप प्रत्येक ध्रुव पर स्थित जो केंद्रक हैं वो विभाजित होकर कितने केंद्रकों का निर्माण करते हैं, दो दो और का निर्माण करेंगे। इस प्रकार दो केंद्रक है तो चार केंद्रकों का निर्माण होगा, दो केंद्रक है तो चार, और कुल केंद्रकों का निर्माण होगा, न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा आठ। तो यहाँ पर प्रत्येक ध्रुव पर हमारे पास कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, आठ। चार चार विपरीत ध्रुवों पर ये केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब ये आगे चलकर देखेगा, यहाँ से आगे चलकर विकास होता है क्या, ये जो दोनों ध्रुवों पर उपस्थित चार चार केंद्रकों का निर्माण हुआ, इनमें से दो केंद्रक, प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक केंद्र में आ जाएगा, भ्रूण कोष के कहाँ आ जाएगा, केंद्र में आ जाएगा। ये हमारे पास भ्रूण कोष भित्ति है और जो कि सक्रिय बीजाणु के रूप में थी, अब यहाँ पर आकर ये तीन तीन जो है केंद्रक तो क्या है, ध्रुवों पर रह जाएंगे और एक एक केंद्रक, एक एक केंद्रक कहाँ पहुँच जाएगा, केंद्र में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, केंद्र में पहुंच जाएगा। केंद्र में पहुंचने के पश्चात अब आगे चलकर क्या होता है, ये जो केंद्रक होते हैं अपने चारों ओर कुछ कोशिका द्रव इकट्ठा करके, कोशिका झिल्ली का निर्माण करके एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास इस प्रकार की संरचना बन रही है। अब इस प्रकार की संरचना के अंदर हम देखते हैं कि तीन केंद्रक तो क्या है, बीजाणु द्वार, और ये क्या है, निभागीय। अब ये जो बीजाणु द्वारी जो केंद्रक होते हैं इनको अगर हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल करके, तो ये हमें इस प्रकार दिखाई देते हैं, इस प्रकार हम थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं इसको। तीन कोशिकाएं ये, तीन कोशिकाएं ये, और एक कोशिका ये, तीन तीन कोशिकाएं जो होती हैं इनमें एक एक केंद्रक, ये हमारे पास बीजांड
द्वारीय क्षेत्र और ये निभागीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये निभागीय क्षेत्र। निभागीय क्षेत्र के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। उनको क्या कहते हैं? हम प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो बीजाणु द्वारीय क्षेत्र वाली जो कोशिका होती है इन्हें कहते हैं अंड समुच्चय। क्या बोलेंगे इनको? अंड समुच्चय। और केंद्र के अंदर जो संरचना होगी उसे हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रीय कोशिका। द्वितीयक केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ठीक, यहाँ इस प्रकार हमारे पास ये जो संरचना बन रही है फाइनली हमारे पास, ये किसकी संरचना है? भ्रूणकोष, या फिर इसे कहते हैं हम मादा युग्मोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है इसके अंदर। अब ये जो निभागीय क्षेत्र की और जो कोशिकाएं होने हैं जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं आगे चलकर निषेचन के बाद में नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ये द्वितीय केंद्र कोशिकाएं निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है? भ्रूणकोष केंद्रक का निर्माण करती है। भ्रूणकोष केंद्रक का निर्माण करती है। और ये जो भ्रूणकोष केंद्रक है आगे चलकर किसका निर्माण करता है? भ्रूणकोष। भ्रूणकोष एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसका निर्माण करेगा? एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। यहाँ पर ये जो अंड समुच्च कोशिका इनको थोड़ा सा हम और थोड़ा देख लेते हैं। अंड समुच्च कोशिका, ये जो मध्य में होती है, जो कौन सी होती है? मध्य में, ये कहलाती है अंड कोशिका। क्या कहलाती है? अंड कोशिका कहलाती है। अंड कोशिका। और इसके पार्श्व में जो है ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ये कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स कहलाती हैं। ये बोलते हैं ओम। और जो पार्श्व में होती हैं कितनी होती हैं? दो। मध्य में कितनी होती है? एक। पार्श्व में जो दो होती हैं उन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, और ये जो सहायक कोशिका होती है ये कहलाती है सिनर्जिड्स। क्या कहलाती है? सिनर्जिड। ये भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अपना पोषण किसको दे देती है? किसको दे देती है? भ्रूण के विकास के लिए। भ्रूण विकास के लिए किसके लिए दे देती है? भ्रूण विकास के लिए दे देती है। तो यहाँ पर हमने इस बात को देखा कि ये जो हमारे पास संरचना है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये किसकी संरचना है? भ्रूण कोष। किसकी संरचना है? भ्रूण कोष। एम्ब्रियो सैक। किसकी संरचना है? ये एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक की संरचना के अंदर हमने अभी देखा कि किस प्रकार की संरचना है। ये सात कोशिकीय। कैसी है ये हमारे पास? कैसी संरचना है? ये सेवन सेल्ड, सात कोशिकीय और आठ केंद्रीकीय। कैसी संरचना है? सात कोशिकीय और आठ केंद्रीकीय। किस प्रकार? देखो सात कोशिका, एक दो तीन प्रतिमुखी कोशिका है, तीन एक दो तीन अंड समुच्च कोशिका है, छः और एक केंद्रीय कोशिका कहलाए सात। सात तो कोशिका है लेकिन केंद्र कितने हो गए? एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन छः, और दो केंद्र किसके अंदर है? द्वितीय केंद्र कोशिका के अंदर। इस प्रकार केंद्र तो कितने हैं इसमें? आठ, और कोशिकाएं है कितनी है इसके अंदर? सात। तो इस प्रकार का जो भ्रूण कोष होता है वो कहलाता है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष है।
क्यों कहा जाता है इसको पॉलीगोनियम प्रकार ग्लूकोज, क्योंकि पॉलीगोनेसी कुल के पादपों के अंदर इसको देखा गया था, इस कारण इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष की क्या विशेषता होती है, तो कितने क्या विशेषता होती है, सात कोशिकीय होता है और आठ केंद्रीय की अवस्था होती है इसके अंदर, सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय की अवस्था। इसके अलावा हम इसके बारे में इसकी जो गुणिता है उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो गुणिता में देख लेते हैं हम, यहाँ पर गुणिता के अंदर इसकी जो कोशिका होती है भ्रूण कोष की जो कोशिका होती है उनकी गुणिता या प्लॉइडी क्या होती है, प्रतिमुखी जो कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं ये कैसी होती है, अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं ये, अगुणित होती हैं, एप्लॉइड होती हैं। अगर हम बात करें अंड समुच्च कोशिकाएं, ये कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं, ये भी कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। अगर हम द्वितीयक केंद्रक कोशिका के बारे में बात करें, द्वितीयक केंद्रक कोशिका, तो द्वितीयक केंद्रक जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो द्वितीयक केंद्रक कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। बाकी अंड समुच्च और प्रतिमुख कोशिकाओं की जो गुणिता होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये जो द्विगुणित संरचना होती है ना, आगे चलकर दोहरे निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण करेगी, त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करती है, त्रिगुणित केंद्रक, त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करती है। और त्रिगुणित केंद्रक जो होता है ना वो आगे चलकर भ्रूण कोष का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है, भ्रूण कोष का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर बीजांड के अंदर भ्रूण कोष का निर्माण या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण किस प्रकार होता है, उसे हमने डायग्रामेटिकली आपको यहाँ समझाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और रह गए हैं, एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर का, उसमें हम आपको बताएंगे कि बीजांड के प्रकार क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और कोई टेक्निकल टर्म्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टूडेंट्स, कोई इस टॉपिक के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ओके।